हेलो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट दिस स्टडी। चैप्टर नंबर 8 इन इंग्लिश रीडर, द पोबल हु हैज़ नो टोज। पोबल, हियर पोबल इज़ अ क्रिएचर, इट्स मे बी एन एनिमल और मे बी अ बर्ड। ओके, तो हियर इट्स अ सी क्रिएचर, सी एनिमल। ओके, नाउ दिस पोम इज़ रिटन बाय एडवर्ड लियर एंड दिस इज़ द दिस इज़ अ नॉनसेंस पोएम, दिस इज़ अ लिमरिक्स। लिमरिक्स क्या होते हैं? एक नॉनसेंस पोएम होती हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इसमें जो आप वट एवर स्टैंडर्स यू आर गोइंग टू स्टडी, देर इज़ नो मीनिंग ऑफ एनी स्टैंडर, बट इट्स अ पोम फॉर एन्जॉय। यू विल एन्जॉय दिस पोम। ओके, सो लेट स्टार्ट। आई एम गोइंग टू समराइज दिस पोम। The pobble who has no toes had once as many as we. When they said, "Some day you may lose them all," he replied, "Fish fiddle dee dee." And his aunt Jubiska made him drink lavender water tinged with pink, for she said, "The world in general knows there's nothing so good for pobble toes." तो इधर यहाँ पे एक पोबल होता है जिसको मतलब उसको सब लोग बोलते हैं कि एक दिन तुम्हारे टूज गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो वो इन चीज़ों को मजाक में लेता है, वो फिश फिडल डी डी मतलब उस पर ध्यान नहीं देता। और उसकी जो आंट होती है जुबिस्का जो होती है उसको ड्रिंक देती हैं, कुछ पीने को देती हैं और कहती हैं कि ये सबको पता है, सब जानते हैं कि देर इज़ नथिंग सो गुड फॉर अ टोबल टोज। की जो टोबल है, टोज टोज मीन्स होता है फिंगर्स ऑफ योर फीट, जो पैरों की जो फिंगर्स होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड टोज। ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, द पोबल हु हैज़ नो टोज स्वैम अक्रॉस द ब्रिस्टल चैनल, बट बिफोर ही सेट आउट ही रैप्ड हिज नोज इन अ पीस ऑफ स्कारलेट फ्लैनल, फॉर हिज आंट जुबिस्का सेड, नो हार्म can come to his toes if his nose is warm, and it's perfectly known that the pobble's toes are safe provided he minds his nose. तो इसमें क्या होता है इस स्टेंजा में, कि जब पोबल जो है वो ब्रिस्टल चैनल, इट्स अ चैनल, इट्स अ सी, एक सी की बात की है यहाँ पे, एक ओशन की बात की है जहाँ पर एक ब्रिस्टल चैनल है, वहाँ पर वो स्विमिंग करने जाता है। तो उसकी आंट बोलती हैं कि अगर तुम्हारी जो नोज़ है वो सेफ रहेगी, अगर तुमने अपनी नोज़ को रैप कर लिया, फ्लैनल मीन्स होता है अ वूवन फैब्रिक मेड ऑफ इधर वूल और कॉटन, अगर आप तुम्हारी नोज़ जो है वो सेफ रहेगी, तुम्हारी नोज़ जो है वो वार्म रहेगी, तो तुम्हारे टोज़ को कोई हार्म नहीं पहुँचा सकता है, your toes will be safe. Okay, now next stanza, the pobble swam fast and well, and when boat ships came near him, he tinkledy winkly winkled a bell so that all the world could hear him, and all the sailors and admiral cried when they saw him nearing the further side, he has gone to fish for his aunt Jubiska's runicipal cat and crimson whisker. तो जब जो पोबल है वो ब्रिस्टल चैनल में स्विमिंग के लिए जाता है, तो जैसे ही वो शिप्स के पास आता है, तो एडमिरल्स जो होते हैं और सेलर जो नाव चलाते हैं, शिप चलाते हैं, वो चिल्लाते हैं जैसे वो उनके पास जाता है, वो उनको उसको वॉर्न करते हैं। बट बिफोर ही टच्ड द शोर ऑफ द ब्रिस्टल चैनल एट सी, ग्रीन पॉर्पोइस कैरिड अवे his wrappers of a scarlet flannel, and when he came to observe his feet formally garnished with toes so neat, his face at once became forlorn in perceiving that all his toes were gone. अब इस स्टेंजा में क्या होता है कि जब वो ब्रिस्टल चैनल को टच करता है, उसके किनारे आता है, तो एक पर्पोइज मीन्स होता है सी एनिमल रिलेटेड टू द डॉल्फिन फैमिली। तो जो एक जो पर्पोइज होता है उसका जो नोज़ पे जो रेड क्लोथ होता है उसको ले जाता है वो, और जैसे वो क्लोथ ले जाता है तो जो उसकी नोज़ जो होती है वो उसकी नोज़ जो होती है वो हार्म हो जाती है। हार्म मीन्स उसकी नोज़ जो है वार्म नहीं रहती है, तो
गार्निश्ड मीन्स होता है डेकोरेटेड, जो उसकी जो टोज जो है वो डेकोरेटेड जो टोज होते हैं वो अचानक से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आंट जो जो बिस्का थी उन्होंने कहा था ना कि जब तक तुम्हारी नोज सेफ है तब तक तुम्हारे टोज सेफ हैं, तो जैसे ही उसकी नोज जो है से कपड़ा हट जाता है, वो प्रपोज उसको ले जाता है, तो ही रियलाइज वो रियलाइज़ करता है कि उसके जो टोज हैं वो जा चुके हैं, गायब हो चुके हैं। एंड नो बडी ईवर नो फॉम फ्रॉम दैट डार्क डे टू द प्रेजेंट हुज हैड टेकन द पोबल स्टोज इन अ मैनर सो फार फ्रॉम प्लीजेंट, वेदर द श्रिम्स और क्रॉल फिश ग्रे और क्राफ्ट मरमेड स्टोल देम अवे, नो बडी न्यू एंड नो बडी नोज हाउ द पोबल वॉज रॉब्ड ऑफ हिज ट्वाइस फाइव टोज। तो इसमें क्या होता है कि जो पोबल के जो टोज हैं वो गायब हो जाते हैं, तो कोई नहीं जानता है कि उसको कौन ले गया, या तो श्रिम्प्स ले गए जो सी एनिमल्स हैं, क्रॉल फिश ले गए, या जो मरमेड्स, मरमेड्स क्या होते हैं, हाफ फिश और हाफ एनिमल्स, हाफ फिश या हाफ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जिनकी बॉडी हाफ फिश होती है और हाफ ह्यूमन बीइंग्स की होती है। तो नो बडी नो, कोई नहीं जानता है कि जो पोबल के जो ट्वाइस टोज हैं, जो टोटल 10 टोज हैं, वो कौन ले गया। द पोबल हु हैज़ नो टोज वॉज प्लेस्ड इन अ फ्रेंडली बाग एंड दे रोड हिम बैक एंड कैरिड हिम अप टू हिज आंट जुबिस्का'स पार्क एंड शी मेड हिम फीस्ट एट हिज अर्नेस्ट विश ऑफ एग्स एंड बटर कप्स फ्राइड विथ फिश एंड शी सैड इट्स अ फैक्ट द होल वर्ल्ड नोज द पोबल आर हैप्पियर विदाउट देयर टोज। तो जब पोबल के टोज नहीं रहते हैं तो वो जो है उसके आंट जो जुबिस्का है उसको उसका उस टोज से ध्यान हटाने के लिए उसको एक फीस्ट पे इनवाइट करती है। फीस्ट मीन्स होता है दावत, और उसके मनपसंद चीज़ें बनाती हैं लाइक एग्स, बटर कप्स, फ्राइड फिश जो उसने पहले डिमांड की हुई होती है। और आंट बोलती हैं कि दैट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है कि सब लोग जानते हैं द पोबल आर हैप्पियर विदाउट देयर टोज, कि जो पोबल है वो अपने विदाउट टोज भी वो हैप्पी है, ही इज़ हैप्पी। ओके, नाउ दिस इज़ द पोम, यू हैव टू रिसाइट दिस पोम। ओके, हैव अ नाइस डे।